अगर गर्भवती स्त्री के गर्भावस्था के दौरान यह तीन लक्षण दिखे और यह तीन लक्षण बहुत तेजी से दिखने को मिल रहे हैं तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है और यह लक्षण 99% महिलाओं में सटीक बैठा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं माँ बनने का सफर। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे बेबी बॉय के सिम्टम्स के बारे में। जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो मन में सबसे जो पहला जिज्ञासा सवाल आता है कि हमें क्या होगा, तो आज के इस वीडियो में कई तीन सिम्टम्स शेयर करूंगी जो बेबी बॉय का होगा और आपको बहुत ही तेज़ी से गर्भावस्था के दौरान दिखने लगेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, ये बड़ी मैटर करता है। हालांकि पूरी प्रेगनेंसी आपको सिम्टम्स दिखने को मिलता ही है, क्योंकि जब कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव आता है और वो भी बहुत ही तेज़ी से दिखने को मिलता है। सबसे जो पहला आपको बदलाव दिखने को मिलेगा गर्भावस्था के दौरान वह यह होता है कि यानी कि आपका यानी कि जो मन की है, जो खान पान हुआ या किन चीज़ों से आपका बदबू आ रही, ये चीज़ें बहुत ही जल्दी यानी कि नज़र आने लगती हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी जो फेवरेट चीज़ें थी वो खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, आपने पसंद नहीं आ रही है, कोई चीज़ों से आपको बदबू आ रही है, जैसे कि मान लीजिए आटे से आपको बदबू आ रही है, अंडा से बदबू आ रही है, कोई सी चीज़ मान लीजिए, यदि किसी किसी चीज़ों से आपको बदबू आ रही है तो यह एक बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। लड़का होने पर आपको कई ऐसे चीज़ों से बदबू की समस्या हो जाती है। सेकेंड सिम्टम यह है कि अगर गर्भवती स्त्री को यानी कि मान लेते हैं आपने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, अगर आपको बैक पेन की समस्या यानी कि कंसीव करते जैसे कि 1 मंथ भी नहीं हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बैक पेन की समस्या होना स्टार्ट हो गया है, आपको कमर में दर्द हो रहा है, जहाँ तक कि आपको यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि पेट के निचले हिस्से में हल्की फुल्की दर्द भी हो रही है, तो यह एक लड़का होने का ही संकेत माना जाता है। तीसरा सिम्टम्स ये है कि अगर गर्भवती स्त्री का जैसे कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस आ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, शुरुआती के महीने में मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, तो इसके लिए आप घबराइएगा मत, ये बहुत ही नॉर्मल सी सिम्टम्स हैं। बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में आपको यानी मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, लेकिन ऐसा हमारे ओल्ड वाइफ का मानना है कि अगर 5वें 6वें महीने के बाद भी मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो लड़की होने का संकेत माना जाता है। अगर गर्भवती स्त्री को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है तो लड़का होने का संकेत माना जाता है। ये सिम्टम्स कितना सही है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर तो ये सिम्टम्स सही बैठे हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हूँ अगले न्यू वीडियो में। किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं यार कमेंट सेक्शन में।